जब तक ये रोग निवृत्त न हो जाए तब तक मनुष्य को सावधानी से साधन करके इस देश को मिटाने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी मन को आसक्त नहीं होने देना चाहिए। आज उस पर ये प्रश्न हुआ कि जब बार बार मन में आसक्ति आ ही जाती है, संग हो जाता है, विषयों में फंस जाते हैं और साधन से गिर जाते हैं, तब फिर इस योग मार्ग पर चलने से लाभ ही क्या है। अलम कर ही तो पाए न योग मार्गे न, इस नाशवान योग मार्ग में चलने से क्या लाभ है जब इसमें बारंबार गिर जाने का डर है। तो वो बताते हैं सुयोगिनो ये विहितांतरायैः मनुष्यभूतैः त्रिगतोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्। एक बार मनुष्य यदि इस मार्ग पर चले और सफलता प्राप्त कर ले तब तो कहना ही क्या, यदि सफलता न भी प्राप्त करे और इस मार्ग पर चले तो जितने भी विघ्न आते हैं रास्ते में वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य आगे बढ़ता रहता है। तो कुयोगी ने ये विहितांतराये ही मनुष्य भूत ही त्रिगतोपसृष्टैः ही, देवता लोग विघ्न डालते हैं तो अभिभूत में एक विषय है और अध्यात्म में इंद्रियां हैं और अधिदैव में देवता है। तो इंद्रियां विघ्न डालती हैं, यूं समझो कि अपनी अपनी रुचि के विषय को पसंद कर लेती हैं और उसमें जा करके फंस जाते हैं। इंद्रियां यही चाहती है कि हमारे घेरे में जो चीजें हैं मनुष्य उसी को ग्रहण करे और उसी में फंसा रहे। इंद्रियातीत वस्तु की ओर अतीन्द्रिय वस्तु की ओर ये कभी जाने न पावे, क्योंकि जब एक बार पांव बांध के बैठेंगे कि हमको चलना नहीं है, चल के जो चीज मिलती है उससे अलग बिना चले जो चीज मिलती है वो पाना है, और हाथ बांध के बैठेंगे कि जो बिना हाथ से बिना किए जो चीज मिलती है वो पाना है, आंख बंद करके बैठेंगे कि आंख से जो चीज नहीं दिखती है वो पाना है। तो एक बार जब ध्यानाभ्यास करने के लिए इस ढंग से बैठेंगे कि जो चीज हमें कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से और मन को संसार में फैलाने से नहीं मिलती, उसको पाने के लिए हम अपने हृदय केंद्र में शांत होकर के बैठ रहे हैं तो बारंबार इंद्रियां यही चाहेंगी कि आपको खींच करके बाहर ले जाए। तो वो केवल ये त्रिगतों का सृष्टि, ये ही देवताओं की सृष्टि और बुद्धि का अभिदैव वासुदेव है। बाहर की आंख से देखने के लिए जैसे सूर्य की जरूरत है, बाहर की बिजली की आग की रोशनी की चांद की जरूरत है, वो तो भीतर बुद्धि को देखने के लिए भी समस्त ज्ञानात्मक
वासुदेव की आवश्यकता है, इसी को तो आध्यात्मिक ईश्वर बोलते हैं। तो एक आधिदैविक ईश्वर, एक आध्यात्मिक ईश्वर और एक विराट आधिभौतिक ईश्वर, और एक वो ईश्वर जिसमें तीनों का भेद है ना, तीनों एक ही से, और पांचवा वो जिसमें ये तीनों नहीं, अखंड अद्वितीय। अध्यात्म ईश्वर, अधिदैव ईश्वर, अधिभूत ईश्वर, एक ही कृत सर्व कारण कारण रूप ईश्वर, सर्व कारण कारण रूप ईश्वर, और एक कार्य कारण भाव से रहित परमात्मा ब्रह्म। ईश्वर माने एक, और एक शुद्ध और एक कारण से उपहित, बीज से युक्त सत, बीज से रहित सत, और बीज के तीन अंकुर अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत। तो जैसी आंख से देखने के लिए हमें सूर्य की जरूरत है, ऐसे भीतर ही भीतर बुद्धि से देखने के लिए एक समस्त ज्ञान में से रोशनी प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला, बुद्धि को रोशनी देने वाला वासुदेव। तो जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुख होती है और भीतर कुछ देखना शुरू करती है, हमारी बुद्धि भीतर भीतर देखना शुरू करती है, तो ये इंद्रियों का जो खेल है विषय सामने, इनके रूप में और सभी संबंधियों के रूप में इतने इतने विघ्न आते हैं कि जो लोग दृढ़ निश्चय करके ध्यान भजन करने के लिए नहीं बैठे हैं उनको खींच लेते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन ये कहे कि एक बार जो इस रास्ते पर चल पड़ा, आ गई वासना हृदय में कि हमको तो इंद्रियातीत को प्राप्त करना है, अतीन्द्रिय को प्राप्त करना है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव के भेद से रहित प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परमात्मा को प्राप्त करना है, एक बार न तो कर्म तंत्रम, वो अपने पुराने अभ्यास के बल से पुनः वो योगाभ्यास ही करेगा, वो दुनिया के गोरख धंधे में काम धंधे में उसकी प्रवृत्ति अधिक नहीं होगी, वो तो ध्यान के द्वारा वो कपाट वो किवाड़ खोलना चाहेगा, उस पर्दे को हटाना चाहेगा जहाँ से परमात्मा का दर्शन होता है। कहने का अभिप्राय एक बार उस रास्ते में चल पड़ने के बाद फिर नितांत पतन नहीं है, कभी गिरे तो फिर उठे और उठे और फिर चले, गिरना तो कोई अपराध नहीं है, गिर के न उठना अपराध और उठ के न चलना अपराध है। अपराध जो है ना, अपने लक्ष्य के रास्ते में जब चले तो कहीं पांव फिसल गया, ये उतना बड़ा कसूर नहीं है, पांव तो चलने वाले का फिसलता ही है, न चलने वाले का पांव क्या फिसलेगा, न सयाना तपस्या जो धरती पर सोया हुआ है वो क्या गिरेगा, जो चलेगा तो गिरेगा। लेकिन गिरने के बाद अगर हिम्मत हार गया कि बोले राम राम इसमें तो हम गिर जाते हैं अब नहीं चलेंगे, तो हार गए, हिम्मत न हारिए, विसारिए न हरि नाम, बस हिम्मत मत हारिए और भगवान का नाम मत छोड़िए और चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। तो ये बात गीता में अच्छी तरह से समझाई हुई है, पूर्वाभ्यासे न तेनैव ह्रियते यदसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य तद्वद् ब्रह्माति वर्तते अनेक जन्म संसिद्धस्य ततो याति परांगतिम्। ये बात गीता के छठे अध्याय में समझाई गई है। करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्त कृष्ण व सुखानुभूतिया। यहाँ तक तो बीच में साधक की चर्चा आ गई थी इसलिए ये बात कही। पहले तो प्रसंग ये चल रहा था कि पूर्वोत्तरीति से जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके लिए घनई रूपेतई बिगतई रवेश्यम, बादल आ गया तो सूर्य का क्या बिगड़ा और बादल चला गया तो सूर्य का क्या बना। सूर्य तो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश आत्मा है, वो तो आकाश में हमेशा लगता रहता है, बादल आवे चाहे जाए। इसी प्रकार विक्षिप्त माणे रूप किन्न दूषाराम, इसी प्रकार अंतःकरण से विक्षिप्त होने से या समाधिस्थ होने से आत्मज्ञानी के लिए न कोई गुण है और न कोई दोष है,
क्योंकि वो तो अपनी पूर्णता में, अपने स्वरूप में, अपने लक्ष्य में प्रतिष्ठित हो चुका है। परंतु साधक को तब तक अपने मैल की, अपने मन की मैल धोना चाहिए जब तक पूरी तरह से रजोगुण का नाश न हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति न हो। बोले ज्ञानियों की क्या दृष्टि रहती है तो बताओ। विदुषा मति सर्वथा कर्म दुष्परिहरण इति पुनः संसार अस्य। ज्ञानी लोग भी तो कर्म छोड़ नहीं सकते, उनको भी चलना पड़ता है, ये भी काम है, बोलना पड़ता है, ये भी काम है, हाथ उठाना बैठाना पड़ता है, ये भी काम है, खाना पीना पड़ता है, ये भी काम है। तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनके शरीर से भी तो कर्म होता ही है। बोले कर्म तो होता है, लेकिन बंधन की हेतुता जो कर्म में है वो ज्ञानी पुरुषों के जीवन में नहीं है। कर्म तो है पर बंधन नहीं है, क्योंकि बांधने की शक्ति कर्म में नहीं है। जब हम कहते हैं कि हे कर्म अब मुझे बांध, कहा बैल मुझे मार, जब हम कर्म को स्वीकृति देते हैं तब कर्म हमको बांधता है। यदि हम स्वयं मुक्त होवें तो कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको बांध सके। तो करोति कर्म क्रियते च जन्तु केनास्य संचोदितामिपात। जंतुर देह, जंतु माने ये शरीर। तो वैसे तो इस शरीर की बड़ी महिमा है शास्त्र में, और दो हाथ जैसे मनुष्य के शरीर में मिले हैं वैसे तो संसार में किसी प्राणी को नहीं मिले। बिल्कुल छुट्टे काम करने के लिए 10 अंगुलियां इतनी साफ साफ, इनसे उठा के भोजन करो मुंह से, है ना, इनसे पकड़ के मशीन चलाओ, नव नव नवीन कालीन बुद्धि मनुष्य शरीर में ऐसी नई नई बात आविष्कार करने वाली निकल आवे बुद्धि में, ये दिमाग मनुष्य को मिला है। और ये परमानंद का भोग करना मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए मिला है। ये पशु पक्षी को न तो धर्म करने के लिए हाथ और न तो नवीन आविष्कार करने के लिए बुद्धि। 10,000 बरस पहले गया पक्षी जैसा घोंसला बनाता था और हिरण जैसे रहते थे, शेर जैसे रहते थे, ज्वार और कुत्ते जैसे रहते थे, वैसे ही रहते हैं। कोई नवीन वैज्ञानिक आविष्कार उन्होंने नहीं किया। नवीन आविष्कार तो मनुष्य करता है ना। एक शेर के घर यहाँ गया तो बहुत बड़ा मकान उनका गिराया जा रहा था। मकान तो बहुत बढ़िया था पर वो तोड़ा जा रहा था। मैंने पूछा ये क्यों तोड़ा जा रहा है, तो माता जी बोली कि बच्चे सब अब नए ढंग से हो गए हैं, तो ये बाप दादा का बनवाया हुआ पुराना मकान उनको पसंद नहीं है, इसलिए तोड़ के अब नए ढंग का बना रहे हैं। और माता जी कहती थी कि हमको इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे पति ने खुद खड़ा हो होके और बड़े प्रेम से ये मकान बनवाया था, उसको बच्चे तोड़ रहे हैं, है ना। तो माँ को तो प्रीति है अपने पति पति के संबंध से, और बच्चों को नवीन नवीन आविष्कार जो हो रहे हैं उससे लाभ उठाना, इससे नई पीढ़ी आ गई, पौत्र वधू आई वो विलायत चली जाती है अकेली घूम जाती है, और दादी तो जब तक उसका ब्राह्मण रसोई न बनावे, है ना, या अपने हाथ से दो रोटी न सेके तब तक खाती नहीं है। अब दोनों का कहा सुख घर में चलता है, बहुत देरी जैसे मौज करे आवे, कैसा दादी जी आपकी जैसे आदत पड़ी, आप मेरे हाथ की मत खाओ रोटी, कोई बात नहीं है, हम कहाँ बना के खिलाते हैं आपको। बहू के हाथ की रोटी नहीं खाते हो, बहू के हाथ की रोटी नहीं खाते हैं, ये तो दादी है। और बहू विलायत अकेले घूमने जाती है, ये बहू है। तो ये जो 25-30 बरस का, फिर 50 बरस का, 75 बरस का फर्क पड़ता है ना, उसमें मनुष्य की बुद्धि जो है, मनुष्य की बुद्धि नया नया ढंग निकालती है, ये मनुष्य की विशेषता है। और पशु पक्षी बोले वो अपने ढंग में बधे हुए रहते हैं, तो इसका अर्थ यह कि वो प्रकृति की प्रेरणा में, विकृति में बधे हुए हैं, और मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकृति से
सीखने का स्वातंत्र भी प्राप्त है। ये मुस्कान महाराज जो मनुष्य के शरीर पर आते हैं, जो खटा के हंसते हैं मनुष्य, है ना, तीन तो भले हंस ले, तीन तो भले हंस ले, लेकिन पशु पक्षियों में ऊंच खिलाना और अपना पंख खिलाना यही उनके पास है ना खुशी जाहिर करने का साधन है। ऐसा बढ़िया ये मनुष्य शरीर, लेकिन फिर भी तत्व दृष्टि से देखो तो ये जंतु है। हमारे एक महात्मा थे गंगा किनारे, बड़े शुद्ध पुरुष थे, कोई 90-94 बरस की उम्र थी, बहुत कम वस्त्र कभी पहनते कभी नहीं पहनते, और 40-50 बरस से तो वहीं रहते। हम लोग जाते उनके पास तो हमारी जात बिरादरी के लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये साधु किस जाति का है, क्योंकि जब हम जाते उनके पास तो कुछ ज्यादा आचार विचार का पालन नहीं करते, उनका प्रसाद भी पा लेते, उनका पांव भी दबा देते, तो जाति बिरादरी में ये ख्याल था कि ब्राह्मण न हो चाहे ब्राह्मण न हो, है ना, तो इनका पांव दबाना, इनको प्रणाम करना, इनका जूठा खाना है बहुत बुरा, है ना, हमको भी बुरा समझने लगते, ये ख्याल था। तो उनसे जाके पूछा लोगों ने, और एक पंचायत करी गई उनके पास और जाके पूछा कि बाबा तुम कौन हो, तो बाबा बोले कि जो चींटी है सो मैं हूँ, जो मच्छर है सो मैं हूँ, बोला पांच भौतिक दृष्टि से सबका शरीर कंठभूत से बना, ये तो आप सुन चुके, और चैतन्य दृष्टि से सबके शरीर में आत्मा एक है, तो शुद्ध पुरुष की जो दृष्टि है उसके लिए अपने बड़प्पन का आरोप उसका गुण नहीं है, अपने शरीर में बड़प्पन का आरोप ये सिद्ध पुरुष की दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि से तो शरीर जो है वो सत्ता सामान्य में मिल गया, जैसे सबका शरीर वैसे ये शरीर भी, इसीलिए इसको कह दिया जंतु। ये ज्ञानी के शरीर का वर्णन है, ज्ञानी का शरीर कैसा, बोले जैसे सब प्राणियों का शरीर वैसे उसका शरीर जंतु हूँ, अरे तो पैदा हुआ है बस। बोले फिर करोति कर्मा, कर्म तो शरीर से होता है, कहाँ होता है, जैसे संस्कार है जैसी परंपरा है, जहाँ रोटी मिलती है वहाँ सब जाते हैं, वो भी रोटी के देह पर चला जाता है, जैसे और प्राणियों को गर्मी लगती है तो नदी में कूद पड़ते हैं वैसे वो भी स्नान करता है। करोति कर्म क्रियते तो जंतु केनाप्यसौपा, कुछ ऐसे प्रारब्ध, कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसी परंपरा, कुछ ऐसे अभ्यास, कुछ ऐसी आदतें जो उसके जीवन में जुड़ी हुई है, उनकी प्रेरणा से उस ज्ञानी पुरुष के शरीर के द्वारा भी मृत्यु पर्यंत कर्म होते रहते हैं। ये कौन कहता है कि ज्ञानी पुरुष खाता नहीं, कि ज्ञानी पुरुष चलता नहीं, कि ज्ञानी पुरुष काम करता नहीं, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। और वैसे जो लोग चाहते हैं कि दुनिया में ज्ञान न रहे, कोई ज्ञानी न रहे, वो तो कहते हैं ज्ञानी खाता नहीं, ज्ञानी देखता नहीं, मानो कोई उसको टीबी हो गई है ना, तो ज्ञानी नहीं है वो तो क्षय रोग हो गया है। अच्छा तो कहते हैं अरे भाई ज्ञानी होगा तो काहे को सांस काहे को लेगा, बोलेगा काहे को, उपदेश काहे को करेगा, उसका मतलब ज्ञानी होगा तो बम्बई काहे को आएगा, कहे भगवान माने बम्बई में ज्ञानी नहीं आवे, नहीं तो बम्बई का नाम है ऐसा, नहीं नहीं तो उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब वो हुआ जो खुद ही ज्ञानी से परहेज करना चाहता है। ज्ञानियों के विरुद्ध एक अफवाह फैला देना कि ज्ञानी खाता नहीं, ज्ञानी करता नहीं, ज्ञानी सांस लेता नहीं, ज्ञानी बोलता नहीं, इसका मतलब है कि तुमको जिंदगी भर में कभी कोई ज्ञानी न मिले, और कोई मिले तो उसको तुम ज्ञानी न मानो, तुम्हारी श्रद्धा न हो, और श्रद्धा न हो तो श्रवण मनन मत करो, और श्रवण मनन मत करो तो परमात्मा के मार्ग में पूर्णता के मार्ग में सच्चा जीवन, सच्चा ज्ञान और सच्चा आनंद, इसी का नाम है सच्चिदानंद। सच्ची जिंदगी बिताना, न किसी को मारना न मरना, सत माने न मरना न मारना, और चित माने न बेवकूफ बनना न बनाना, और आनंद माने न किसी को दुख देना न दुखी होना, ये सच्चिदानंद की जिंदगी प्राप्त कर लेना, इसका नाम सच्चिदानंद का जीवन है प्राप्त कर लेना। न प्रविद्वान प्रकृत स्थितो भी, ज्ञानी पुरुष उसी शरीर में स्थित है
जिस शरीर से खाना होता है, पीना होता है, चलना होता है, बोलना होता है, उसी में। परंतु फर्क क्या है? निवृत्त कृष्ण सुखा अनुभूतिया, आत्मानंद का अनुभव होने के कारण। कोई कहता है भोग में आनंद है, कोई कहता है विषय में आनंद है, फूल में आनंद है, फूल में आनंद है, कोई कहता है फूल में आनंद नहीं है, फूल को सूंघने में आनंद है, इंद्रिय और विषय के संयोग में आनंद है। कोई कहता है बहुत सारा इकट्ठा कर लो अर्थ में आनंद है, कोई कहता है बहुत काम कर लो उसमें आनंद है, कोई कहता है आंख बंद करके बैठो उसमें आनंद है। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान का कहता है कि आनंद स्वरूप तुम हो, जिसको तुम देखते हो उसमें आनंद भर देते हो, जिसको तुम छूते हो उसमें आनंद भर देते हो, जिसको तुम अपने मन में उठाते हो उसमें आनंद भर देते हो। सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद, सच्चा जीवन भर भर के लोगों में उनको देख रहे हो तुम स्वयं सच्चिदानंद हो। ज्ञान ज्ञान ये बताता है, ज्ञान ये बताता है कि न विषय में से आनंद आता है, न भोग में से आनंद आता है, न संग्रह में से आनंद आता है, आनंद के खजाने हो तुम। तुम जिसको प्यार की आंख से देखो उसके ऊपर आनंद बरस पड़े, तुम आनंद के खजाने हो। तो इसलिए स्वसुखा अनुभूत किया, यही ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी का लक्षण ये है कि उसका स्व ही सुख है, अपने स्वरूप भूत आनंद में मग्न है, और उसका अनुभव करके निवृत्त कृष्ण, उसकी सारी तृष्णा निवृत्त हो गई। अब तृष्णा में खाता है पर खाने की तृष्णा नहीं है, पीता है पर पीने की तृष्णा नहीं है, करता है पर करने की तृष्णा नहीं है। तृष्णा माने तर्क, प्यास, व्याकुलता, दो चीज होती है ना, एक फूल को देखना, ये लाल है, काला है, पीला है, नीला है, और इसकी सुगंध, ये गुलाब की सुगंध है, ये चमेली की है, ये बेला की है, ये कमल की है, और उसकी वासना होना कि ये फूल तोड़ करके हम अपने हाथ में ले लें। दोनों में फर्क है ना, फूल के ज्ञान में और फूल की वासना में फर्क है। तो ज्ञानी उसको कहते हैं जिसका ज्ञान शुद्ध रहता है, शुद्ध रहता है माने संपूर्ण वस्तुओं को जानता हुआ भी उस वस्तु को अपनी छाती पर रख करके कि जब हम हमारा ये शरीर गाड़ा जाएगा धरती में, ये आग में जलाया जाएगा या पानी में डाला जाएगा, तो ये चीज हमारी धरती पर बनी रहे, हमारी छाती पर रखी जाएगी। तो ये तृष्णा संसार की वस्तु को अपने हाथ में समेटने की इच्छा, तृष्णा का ये कई ज्ञानी के भीतर नहीं होती है, इसलिए वो शरीर में रह करके भी कर्म में विकार को प्राप्त नहीं होता है। विकार को प्राप्त होना क्या है? मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये कर्म मुझे नरक या स्वर्ग में ले जाएंगे, है ना, इन कर्मों का आधार भूत अहंकारी मैं हूँ, हर विषाद आदि के द्वारा उसके संसार की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धांतमासी नमुत व्रजंतम कया न मुखं तमदंतमन्नम स्वभावमन्यत्किमतीहमानम आत्मानमात्मक्षयतिर्नवेद। बल्कि आत्मस्य जो गति है वो तो इस बात का ध्यान भी नहीं करता कि शरीर खड़ा है कि बैठा है, चल रहा है कि सो रहा है, ये खा रहा है कि त्याग रहा है, तो ये तो कोई शरीर का स्वभाव है, और ये अपने आप ही सारी क्रियाएं इसके द्वारा हो रही हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित है, इधर उसको दृष्टि डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोले मैं कभी कभी ये संसार जो दिखता है ये सिर पर कर बैठता है, पहले तो मामूली होकर के दिखता है, तरंगायता आती इन्हें संगा समुद्रायन से, पहले कोई चीज तरंग की तरह आती है और जब उसका संग कर ले तो समुद्र की तरह बन जाती है, फंसा लेती है। मन में हुआ करे देखने में क्या हर्ज है, देख लो ना, आप इसीलिए बने हैं। फिर आया मन में कि दो दो बात कर लो, फिर मन में आया कि सू लो, फिर मन में आया कि गांठ बांध लो,
तो देखते देखते गांठ बांधने तक बंधन तक पहुंच गए तो ये संसार जो है ये देखना से शुरू होकर ज्ञान से प्रारंभ होकर बंधन तक पहुंच जाता है। तो ज्ञानी पुरुष भी यदि कभी संसार को देखे तो क्या संसार उसको बंधन पर्यंत ले जाएगा? यदिस्म पश्यत्यतदिन्द्रियार्थम् नानानुमानेन विरुद्धमन्यत न मन्यते वस्तुतया मनीषि स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्। जब आँख है तो देखेगा, कान है तो सुनेगा, त्वचा है तो छुएगा, बोले हाँ देखता तो है, लेकिन वो जानता है कि इसमें जो अन्यता है वो झूठी है। एक जो अखंड आत्मा है परमात्मा ब्रह्म, उसके सिवाय जो इंद्रियों के कारण नाना दिखाई पड़ रहा है, एक गुलाब की गुलाब का फूल ले लो अपने हाथ में, आंख से देखो तो लाल है या पीला है, हरा है, हरे भी गुलाब के फूल होते हैं, या काला है, काले भी फूल होते हैं गुलाब के, पीला लाल काला तरह तरह है। एक आंख बताती है कितना कोमल है ये त्वचा और कैसी गंध है उसमें, ये नाक बताती है, और मुंह में डाल दो तो इसका कड़वापन मालूम पड़ेगा। तो गुलाब तो एक है लेकिन यथेन्द्रिय पृथक द्वारा ही अर्थो बहुगुणाश्रय नाने व दृश्यते। एक ही वस्तु है वो गुलाब की पंखड़ी इंद्रियों के भेद से वो नाना प्रकार की मालूम पड़ती है। ये कड़वी है, ये रंगीन है, ये कोमल है, तो वो असल में क्या है? बोले ये हमारे पास जो इंद्रियां हैं वही इतने भेद उसमें बताते हैं। ये जो हम संसार देखते हैं, संसार में जो इतना भेद मालूम पड़ता है वो हमारे देखने के औजारों के भेद से भेद मालूम पड़ता है। असल में अखंड जो सत्ता है परमात्मा है वो एक है, इंद्रियों के दरवाजे से वो नाना प्रकार का मालूम पड़ता है। तो जो जान गया उस एक को पहचान गया वो जानता है कि ये जो अनेकता है वो बुद्धि के विरुद्ध है, इंद्रियों से दिखती है परंतु बुद्धि के विरुद्ध है। जैसे स्वप्न में नीलो लंबा का देश हो, लंबा खान होना ये बुद्धि के विरुद्ध है, जैसे स्वप्न में बरसों लंबा काल होना बुद्धि के विरुद्ध है, जैसे स्वप्न में हजारों आदमियों का होना बुद्धि के विरुद्ध है। तो वो सब मालूम पड़ा हुआ होने पर भी जब बुद्धि जागती है तो कहती है वो सब बाधित है। इसी प्रकार ये इंद्रियों के द्वारा बताया हुआ जो प्रपंच है, जब एक अखंड अनंत सत्ता में जब बुद्धि जा करके जब डूबती है तब वो कहती है कि ये जो अनेकता तुम्हें प्रतीत होती है राग द्वेष का मूल कारण वो तो अपने स्वरूप से जुदा, देखने वाले से जुदा है ही नहीं। तो मनीषी पुरुषा वस्तुतया न मन्यते। मनीषी जो पुरुष है, ये मुंशी का मूल है, ये मनीषी जो है ना मुंशी का मूल है मनीषी, तो वस्तुतया न मन्यते। दिखता है सब ठीक, चलने के लिए धरती भी है, पकड़ने के लिए वस्तु भी है, देखने के लिए रूप है, परंतु वस्तुतया न मन्यते, ये तो आकृति मात्र है, तत्व नहीं है। तत्व जैसे मिट्टी है, घड़ा तत्व नहीं है, क्योंकि मिट्टी से पृथक घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है, घड़े से मिट्टी को पृथक कर लेने पर घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार अनंत अखंड परिपूर्ण अद्वितीय जो आत्म सत्ता है उससे व्यतिरिक्त ये प्रपंच नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे स्वात्म यथोत्थाय तिरोदधानम्। जैसे मणिराम सपने में खेल बना लेते हैं और फिर सपना टूटने पर वो खेल मिट जाता है वैसे। तो ये बात आपको सुबह सुनाई दी थी, ये टिप्पणी उसकी कर लेना, कल सुना दी थी कि स्वप्न काल और जागृत काल ये अलग अलग काल होते हैं, लेकिन ब्रह्म काल और जागृत काल ऐसा काल भेद नहीं है। जो ब्रह्म काल है उसी में जागृत काल स्वप्न काल सुषुप्ति काल तीनों अध्यक्ष है। इसलिए क्या होगा कि स्वप्न तो जागृत काल में स्वप्न टूट जाएगा,
लेकिन ब्रह्म काल में जागृत पूछेगा नहीं। ये तो प्रत्यय में सत्यत्व की भ्रांति थी और अब प्रतीति मात्र है, परंतु प्रतीति नहीं टूटेगी। ब्रह्म काल बड़ा काल है ये बात सही, लेकिन उसमें छोटा काल जागृत काल भी प्रतीत होता है, स्वप्न काल भी प्रतीत होता है, सुषुप्ति काल भी प्रतीत होता है। इसलिए सपना दूसरे समय और जागना दूसरे समय, लेकिन संसार दूसरे समय और ब्रह्म दूसरे समय ऐसा नहीं। जिस समय संसार है उसी समय ब्रह्म रह करके इस संसार को अभिन्न रूप से देखता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संसार में व्यवहार करता हुआ भी संपूर्ण संसार को ब्रह्म रूप ही देखता है। तो तब लोक किसका हुआ? कल लोक इस लोक हुआ जो अपने से जुदा मान करके राग करते थे, अपने से जुदा मान करके द्वेष करते थे, जो जुदा मान करके दुखी होते थे, सुखी होते थे, जो भ्रांति थी वो भ्रांति मिट गई। असल में ये मैं और वह और जगत ये तीनों तीन चीज नहीं है, बिल्कुल एक ही है। पूर्वम गृहीतम गुण कर्म चित्रम अज्ञानात्म यदि वित्तमंग निवर्तते तत् पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा। अब ये वर्णन करते हैं कि आत्मा निर्विकार है, ये बात कही गई। तो विकार माने क्या? मैं सुखी हूँ, एक विकार ये है, अहंकार हुआ विकार है, और मैं दुखी हूँ, एक विकार ये है, क्योंकि दुख के साथ अपने को जोड़ लिया। अरे तुम तो एक हो, जिस समय तुम अपने को सुखी मानते हो दुखी नहीं मानते, उस समय तुम वे भी नहीं। तो मैं तो हूँ कैसा? जिस समय तुम अपने को दुखी मानते हो और सुखी नहीं मानते, उस समय तुम वे भी नहीं। कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि दुखी में तुम हो और सुखी में तुम हो, और सुखी में दुखी नहीं है और दुखी में सुखी नहीं है। तो सुखी दुखी ये दोनों जुदा जुदा चीज है, अलग अलग चीज है, और तुम एक ऐसी चीज हो जो सुखी से भी ऊपर हो, दुखी से भी ऊपर हो। तुम चाहे किसी चीज को सुख बना करके अपने साथ लपेट लो और चाहे किसी चीज को दुख बना करके अपने साथ लपेट लो। पुराने जमाने में ये चीज थी, पांव छोटा हो तो बड़े सुखी, चीन में ऐसी रिवाज सुनते हैं थी कि पांव छोटा हो तो बड़े सुखी। तो महाराज लोहे का जूता बच्चे को पहना दिया कि अब वो पांव बड़े न पावे, बच्चे को तकलीफ भी होती है, लेकिन बड़े होने पर सुंदर रहने के लिए, सुखी होने के लिए हमने राजपुताने में ऐसे ऐसे काम देखे महाराज, जो गले को छूते हैं और कैसे छूते हैं, और उसमें इतने बड़े बड़े जेवर पहना देते हैं कि खींच करके, है ना, कान का छेद हो गया बड़ा भारी और खींच के गले में आ गया। सिंधियों में मैंने ऐसी नाक देखी महाराज, है ना, वो छेद छेद करके नाक को यहाँ से बड़ा सा जेवर उसने पहने और कहीं वो नाक को लेकर के नीचे न चली जाए नख, इसके लिए उसने एक रस्सी काली काली बांध के और सिर में से दूरे में ले जाके, है ना, क्या इससे क्या कहा, इससे सुंदरता बढ़ती है। तो ये अपनी अपनी धारणा हुई ना। अब उन्होंने सुंदरता को लपेट दिया उस छेद में और नख में, है ना, और फिर उसको पहन लिया, बोले हमारे शरीर का सुंदर और कोई नहीं क्योंकि हम नख पहनते हैं, है ना, हमारे शरीर का सुखी और कोई नहीं क्योंकि हमारा पांव इतना छोटा है। तो अब उसने लपेट दिया सुख और उसको अपने साथ लेकर सुखी हो गए। अब आजकल के लोगों ने उसमें दुख लपेट दिया, बोले कहीं नाक से जाने जाओ तो आजकल के लड़की तो सत्याग्रही कर दे, ये हमारी नाक मत छिड़वाओ और हमारा कान मत छिड़वाओ, ये बात हो गई। तो ये कहाँ से आता है? इसका अर्थ ये हो गया कि ये सब जो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, अफ्रीका में लोग अपने को सुंदर मानते हैं कि नहीं, तिब्बत में लोग अपने को सुंदर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और कश्मीर वाले तुम लोगों को बहुत कुरूप मानते हैं, और विलायत वाले काला आदमी बोलते हैं। तो एक अभिमान ही तो होता है ना कि हम बड़े सुंदर हिंदुस्तान में रहेंगे तो जरा अपने को ठीक ठाक करके कहेंगे, ऐसा देखेंगे शीशा में देखेंगे कहीं हम बड़े सुंदर। और महाराज जब चले जाते हैं दूसरे देशों में, ठंडे देशों में, तब वहां जाके देखते हैं, हाय हाय हम तो बड़े काले हैं, हिंसा का अनुभव करना पड़ता है। तो ये सब कहां से? ये सब अपने साथ सुख दुख सब झूठ मूठ सताया हुआ कल्पित है, इस विकार के साथ अपने आप को एक कर दिया गया है। सब फिर ये कहो कि बद्धावस्था में और मुक्तावस्था में,
आत्मा एक ही रहती है कि दूसरी रहती है। जब देखो भूसी जब तक चावल में लगी है तब तक भूसी से चावल बंधा हुआ है, और भूसी चुरा दिया उसमें से चावल निकाल लिया तो चावल और भूसी से मुक्त हो गया। तो एक अवस्था चावल की बद्धावस्था हुई और एक चावल की मुक्तावस्था हुई। तो ऐसे ही आत्मा भी कभी बद्धावस्था में कभी मुक्तावस्था में रहता है। कि अब भूसी छोड़ अभी भूसी के साथ हो तो बंधे हुए हो, अब भूसी छूट गई तो मुक्त हो गए, क्या ऐसा कुछ अविद्या का आवरण का कोई पर्दा लगा हुआ है क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गम गृहीताम गुण कर्म चित्रम अज्ञान अनात्मन अविदितमंग। प्यारे उद्धव पहले इस शरीर में इस अंतकरण में अपने आप का विवेक नहीं किया कि मैं कौन हूँ। माँ ने बाप ने ये तो सिखा दिया इसका नाम नाक है, इसका नाम कान है, इसका नाम गिलास है, इसका नाम थाली है, इसका नाम संगी है, इसका नाम शीशा है। ये तो सब महाराज घर वालों ने सिखा दिया, ऐसे बाल रखो तो बड़े सभ्य हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का क्या स्वरूप है ये उन लोगों ने नहीं सिखाया, उसकी पहचान नहीं हुई। बिना विवेक के बिना किसी पाठशाला में पढ़े बिना किसी स्कूल में सीखे तुमने ये मान लिया कि ये देह मैं हूँ, देह मैं हूँ। फिर उसके साथ और सैकड़ों बातें और जुड़ गई, देह के साथ फिर उसने मनुष्य नाम जुड़ा, मनुष्य के साथ फिर हिंदू जुड़ा, फिर उसने वर्ण जुड़ा, आश्रम जुड़ा, फिर उसने महाराज प्रांत जुड़ा, उसने फिर खानदान जुड़े, वंश जुड़े, अमुक वंश का, अमुक वंश का, अमुक वंश का, उसमें भी फिर और अपनी व्यापन ऐसे पंडित ऐसे गोरे ऐसे पहलवान ये सब गिरा। तो अपने आत्मा का तो विवेक कहीं हुआ नहीं। इसीलिए हुआ ये कि इसमें अज्ञान के जो कार्य हैं उसमें गुण और कर्म सारे ऐसी तकदीर अपने अंदर बना ली गई, जोड़ ली गई, जैसे कोई पर्दे से ही रंगीन समझने लग जाए। फिल्म देखने जाते हैं ना और उस पर जो रोशनी में से तस्वीरें आती हैं, अगर कोई ये समझने लग जाए कि ये सारी तस्वीरें पर्दे में सटी हुई हैं तो वो गलत समझता है ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकाश में ये देखी जाती हैं और जिस अधिष्ठान में देखी जाती हैं उसमें ये गुण और कर्म के तस्वीर तो सब है, लेकिन महाराज सती हुई कोई नहीं है। ये आती है और जाती है, आती है और जाती है। कोई भी आत्मा में ये संसार का गुण और संसार का कर्म सटा हुआ नहीं है। इसलिए इसकी निवृत्ति कैसे होती है? बोले बोले अपने को न सोचने से न समझने से न जानने से सबको तुमने अपने साथ जोड़ लिया है। यदि अपने आप को जान लो कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सबको देखने वाला महाराज कौन है, अन्नमय है, ये जो हाथ है ना हड्डी मांस काम वाला ये है, इसको उठाने वाली जो ताकत है सोमय है। बोले नहीं उठाने का जो संकल्प है सोमय है, अरे उठाने का जो विचार है सो मैं है, तो उठाने में जो मजा आता है सो मैं है, तो नहीं सब मैं है, तो नहीं सबसे जुदा सबको देखने वाला साक्षी मैं है। इस तरह से दर्शन करो, इसमें से भूसी कोई निकाल के फेंकनी नहीं है और इसमें से चावल कोई अलग करना नहीं है, एक ही अद्वितीय वस्तु है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। न कुछ निकाल के फेंकना है और न तो कुछ पकड़ना है। न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा, आत्मा को पकड़ना नहीं है, आत्मा को छोड़ना नहीं है, ये तो जल का क्यों है। यही बात दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। यथा हि भानो हृदयो मृतकृताम तमो निहन्यात् न तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सतीने हन्यात्तमिश्रम पुरुषस्य बुद्धेः। बोले भाई जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय क्या करता है? सूर्योदय होने पर जो चीजें दिखती हैं उनको बना देता है सूर्य, कि जो तुम्हारी आंख पर अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटा देता है। सूर्य क्या काम करता है? सूर्य घड़ा नहीं बनाता,
स्त्री नहीं बनाता, पुरुष नहीं बनाता, नदी नहीं बनाता, समुद्र नहीं बनाता, मकान नहीं बनाता, वो तो मृतक किसान कमे नहीं हमें आप न तो सदविधत्ते, वो तो लोगों की आंखों के सामने से सिर्फ अंधेरा हटा देता है, अंधेरा दूर कर देता है, जो भी दूर करता नहीं है। ये तो इसका स्वभाव ही है कि जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधेरा नहीं होगा, अंधकार दूर हो जाता है सूर्योदय से। चीज कोई नहीं बनती, ये नहीं समझना देहाती आदमी की तरह। एक मैंने अखबार में पढ़ा कि एक देहाती आदमी शहर में गया तो लिफ्ट नहीं देखी थी उसने, हो लिफ्ट तो उसने देखा कि एक बुढ़िया स्त्री लिफ्ट में चढ़ी और बंद करके बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर उड़ गई। जब फिर वो लिफ्ट लौटी ऊपर से तो उसमें से एक युवती स्त्री निकली, तो उसने कहा कि हाय हाय हमसे भूल हो गई, अगर गांव से मैं अपनी गुड़िया ले आता तो उसको भी इसमें चढ़ा देता, वो भी युवती हो जाती है ना। तो अब लिफ्ट ने है ना, लिफ्ट ने गुड़िया को युवती बना दिया क्या? चलो युवती बनाया नहीं। इसी प्रकार जब ये सूर्य का प्रकाश जब होता है तो वो किसी चीज को बनाता नहीं, जो चीज जैसी होती है उसको वैसा दिखा देता है। यही प्रकाश का काम है, यही ज्ञान का काम है। तो ये जो ब्रह्मात्मयी के ज्ञान होता है, वो आत्मा एक बूंद है और ब्रह्म एक समुन्दर है, और वो बूंद रूप आत्मा को उठा के समुन्दर में मिला देता है, ये सब काम कुछ ज्ञान करता नहीं है बोला। हाँ, ये बूंद बूंद में नहीं मिलती और बूंद समुन्दर में नहीं मिलती। जो चीज पहले से जैसी है, पहले से ही ये आत्मा ब्रह्म है ना। इसलिए केवल जो विवेक न करने के कारण, नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण जो ये बात हम जानते नहीं थे, वो केवल अज्ञान मिट गया। एवं संख्या निपुणा कति ने हन्या तनिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। इसी प्रकार ये जो निपुण समीक्षा है, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है, ये केवल मनुष्य की बुद्धि में रहने वाले अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ये कोई इसको आत्मा से ब्रह्म बनाता नहीं है। एक स्वयं ज्योतिरदे प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसाम विरामे ये ने सीतावागवस्वरंती। ये बात स्पष्ट कर दी कि अज्ञान से अगर तुम्हारी कोई चीज खो गई हो, है ना, पहचानते न हो और खो गया हो, तो क्या खो गया है? तो हम पहचानते नहीं है तो वो चीज खोई नहीं है। न पहचानने से अगर कोई चीज खोई हुई हो तो वो खोई नहीं है, और पहचानने घर से कोई चीज मिल जाए तो बोले वो मिली नहीं। इसीलिए संसार जो है इसकी निवृत्ति नहीं होती, ये तो नित्य निवृत्त है, और ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ये तो नित्य प्राप्त है। ब्रह्म की प्राप्ति में जो अप्राप्त पने का भ्रम है कि हमको परमात्मा मिला नहीं है, ऐसा जो लोगों को भ्रम हो रहा है, वो भ्रम ही दूर होता है। अब इस बात को अच्छी तरह से विस्तार करके समझाते हैं। एक स्वयं ज्योतिरदे प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति। एक भाई, ये जिस ब्रह्म का तुम वर्णन कर रहे हो कौन है? तो अभिनय नजर से कि एक यही है ना। हाथ छाती पर रखो और फिर कहो एक अयम, अयम आत्मा ब्रह्म, ये है, ये माने वह है। ये तो एक भावना की बात हुई, और तुम हो ये मानी हुई बात हुई। कैसे? कि जो तुम के रूप में दिख रहा है वो तो पूर्ण नहीं दिख रहा है। जो तुम के रूप में दिख रहा है, एक आदमी आके हमारे सामने खड़ा हो गया, किसी ने कहा ये ईश्वर है ना, अब उसकी ईश्वरता तुमको दिख रही है? इसने सृष्टि बनाई है वो तुमको दिखता है? ये पालन कर रहा है ये दिखता है? कहीं ये प्रलय करेगा ये दिखता है? तो यही संपूर्ण जगत का उपादान कारण मृतिका है ये दिखता है कि नहीं दिखता है? तो सामने वाली छोटी चीज को जगत का कारण मानना ये मान्यता है ना।
और जगत के कारण को इतना परोक्ष बना देना अज्ञेय रहस्य है, वो तो कल्पना हुई। बोले अपना आपा जो है ये न तो भावना है और न तो कल्पना है, ये क्या है का एक साक्षात अपरोक्ष है। अब नहीं इसमें दूरो ये कहता है कि स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है। आंख तब देखती है जब मन काम करता हो, अन्यत्र मना भूगम ना पश्चिम, मन अगर दूसरी जगह चला जाए तो आंख नहीं देख सकती है ना। और मन कब देख सकता है कि जब स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था हो गए, सुषुप्ति अवस्था में मन भी नहीं देख सकता। लेकिन सुषुप्ति अवस्था को भी जानने वाला इतने काल तक सुषुप्ति रही कौन है ना। अपने को दूसरे को जानने के लिए हमारी जरूरत है। परंतु देखो ये जो घड़ी है ये न अपने को जानती है न जानने वाले हमको जानती है, और हम घड़ी को भी जानते हैं और अपने जानने वाले को भी जानते हैं, बोला हम जानते हैं। तो हम स्वयं प्रकाश हुए और घड़ी परत प्रकाश हुई। अन्य जो वस्तु होती है उसको प्रकाश की दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है और आत्मा को दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आत्मदेव स्वयं प्रकाश है, न इसमें अज्ञान है का की मैल है और न तो हटाने की जरूरत है। माने इनका जन्म कभी नहीं हुआ है, देह का जन्म हुआ है। अप्रमेय माने ये किसी इंद्रिय के द्वारा अंतकरण के द्वारा प्रमाण के विषय नहीं बनते हैं, इसलिए अतिशय का आधान करके कि ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं इनके संस्कार की जरूरत नहीं है। महानुभूति माने देश काल परिच्छेद का भाव न होने से इनमें वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और नाश नहीं है। और सकलानुभूति कहने का अभिप्राय ये कि अनुभव मात्र है, जो कुछ अनुभव हो रहा है सो यही यही है, एक है अद्वितीय है। बोले अच्छा बोल के तो बताते हो ना, वेद शास्त्र में लिखा है। बोले नहीं, वचसाम विरामे जब वाणी शुद्ध हो जाती है तो गेले पितावागरती, जो वाणी में रहकर वाणी का प्रेरक है, प्राणी प्राण में रहकर प्राण का प्रेरक है, मन में रहकर मन का प्रेरक है, सबके परे रहकर सबका अधिष्ठान है, जिसके बिना कोई नहीं है, जो सब कुछ है उसका नाम है ब्रह्म और वही है अपनी आत्मा। अब वर्णन करते हैं, एकावान आत्म सम्मोहो यद विकल्प केवले आत्मनृते समात्मानम अवलंबो नयस्य ही। अद्वितीय एकता में और अद्वितीयता में फर्क होता है ना। एक जो है वो गुण है, संख्या है, संख्या एक एक दो हो जाता है और एक बटे है ना, हो जाता है ना, बट जाता है, एक दो हिस्से हो जाते हैं, इसलिए एक को गुण बोलते हैं। एक द्रव्य नहीं है, एक गुण है। एकत्व जो है वो संख्या है, संख्या गुण है, वो किसी चीज में रहती है। कोई चीज एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है, द्रव्य नहीं हो तो संख्या कहाँ से होगी। संख्या द्रव्याश्रित होती है, चीज की गिनती होती है और एक एक गिनती है, इसलिए चीज की आश्रित रहने वाली एक गौण चीज है। संख्या नौकर है, संख्या मालिक नहीं है। अच्छा, और परमात्मा बोले वो अद्वितीय है। अद्वितीय का क्या अर्थ होता है कि एक एक दो नहीं होता है ना। वहां अद्वितीय अद्वितीय जोड़ दो, दस अद्वितीय लिख दो और फिर जोड़ो तो एक 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 दस बार लिख के जोड़ो तो दस होगा ना। और अद्वितीय 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 दस बार लिख के जोड़ो तो अद्वितीय ही रहेगा। अद्वितीय में गुणा नहीं, अद्वितीय में भाग नहीं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न होता है। इसी बात को बताने के लिए कहते हैं कि ये जो भेद दिखाई पड़ता है वो वास्तविक नहीं है। ये नहीं कहते हैं कि भेद दिखते ही नहीं, ये तो अंधा आदमी भी नहीं बोल सकता। अंधे आदमी को भी कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो मालूम पड़ता ही है ना। एक अंधे आदमी को किसी ने कहा कि भाई खाने में तो खीर बहुत बढ़िया होती है, आपने सुना। बोले सफेद क्या होता है, अंधा था है ना। तो उसने कहा बगुले की तरह सफेद। उसने कहा बगुला कैसा होता है, तो अपना हाथ टेढ़ा करके उसका हाथ रख दिया ऐसा होता है।
बोले अरे ये तो बड़ी टेढ़ी होती है भाई, खाएंगे तो गले में अटक जाएगा, है ना। सभी से खीर टेढ़ी, टेढ़ी खीर, है ना, ये तो टेढ़ी खीर है भाई, तो अंधे को कैसे समझा, ये हुआ ना। तो ये भेद जो है ये दिखता नहीं, ऐसा नहीं, भेद दिखता है लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक माने तत्व नहीं है, हो असली नहीं है। आकार है, शकलें बहुत सी हैं, लेकिन वो शकलें तत्व नहीं है। मिट्टी तत्व है, घड़े तत्व नहीं है, जल तत्व है, तरंगे तत्व नहीं है, ये बात है। अग्नि तत्व है, चिंगारियां तत्व नहीं है, वायु तत्व है, हम सब लोगों की सांसें अलग अलग तत्व नहीं है। तो जगत के मूल में जो अद्वितीय वस्तु है वो एक एक दो होने वाली नहीं, अद्वितीय है, अखंड है, और वो तत्व है, और वो अपनी आत्मा से अभिन्न है। असल में हम वही हैं। और ये जो भेद पंचवर्णम अबाधितम ये नाप्यर्थवादोयम द्वयम पंडित मान्यम एक लोग ऐसे है महाराज जो कहते हैं द्वयम पंडित में पंडित मानना कहते हम पंडित हैं। ऐसी बात होती है कि जो लोग पृथ्वी के मूल में केवल जड़ मानते हैं ना, और जड़ से चेतनता का विकास मानते हैं, तो उनके मत में ये हुआ कि पृथ्वी के मूल में सबसे बड़ा बेवकूफ, बेवकूफ है अज्ञान, अज्ञानी चेतन नहीं। और अब चेतना विकसित होकर के पराकाष्ठा को प्राप्त हुई हमारे पास, और सब बेवकूफ हम बहुत बड़े ज्ञानी। चेतन की दृष्टि से सचमुच हम ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप है। अपने को ज्ञानी कहना तो ज्ञान का अभिमानी बनना है, तो हम तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही हमारा स्वरूप है। लेकिन जब पंडित मान बैठते हैं अपने को, तब ये जो अलग अलग नाम और अलग अलग रूप दिख रहे हैं, पचरंगे पंच वर्णम मिट्टी पानी आग और हवा के बने हुए, क्या नहीं है। जब तक खंड खंड देखोगे और इंद्रियों से देखोगे तब तक ये सच्चा है, और जब अखंड से एकता प्राप्त करके देखोगे तब तुम समझोगे। ये धरती बहुत बड़ी दिखती है, कितनी बड़ी धरती है मेरे भाई। धरती के नक्शे में हिंदुस्तान जरा सा होता है, और हिंदुस्तान में बंबई एक बिंदी शरीर की होती है, और ये मकान तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। तो बंबई में ये मकान छोटे, और हिंदुस्तान में ये बंबई छोटी, और सारी धरती में हिंदुस्तान छोटा, और सूर्य और धरती में और सूर्य मंडल की दृष्टि से धरती छोटी, और आकाश मंडल की दृष्टि से सूर्य छोटा। यदि आकाश की दृष्टि से हमें गणना करनी हो कि आकाश के किस अंश में ये धरती है, ये आकाश के किस हिस्से में सूर्य है, अभी गणित इतना इतनी ऊंचाई तक गणित नहीं पहुंचा हुआ है कि आकाश के ओर शोर की कल्पना करके और बता दो तो उसके किस हिस्से में सूर्य। और फिर जब हम देश काल वस्तु का परित्याग करके, है ना, लंबाई चौड़ाई और उम्र और वजन, है ना, इन तीनों चीज को छोड़ करके लंबाई चौड़ाई उम्र और वजन क्रम और वजन इन तीनों को छोड़ करके जब हम अखंड वस्तु की दृष्टि से देखते हैं कि ये धरती कहाँ है, आकाश की दृष्टि से तो धरती मिलती नहीं है, अखंड की दृष्टि से कहीं धरती मिलती है, और फिर इसी चीज को हम सर्वस्व समझ करके इसमें इतने फंस जाते हैं कि इसके लिए लड़े झगड़े मरे देखे तो हम सीताराम को सीताराम को इतनी छोटी थी। तो दिल व्यर्थे नाप्यर्थवादोयम द्वयम पंडित मानिनाम, अपने को बड़ा भारी विद्वान मानने वाले पंडित मानने वाले लोग जो है ना, ये व्यर्थ में ही महाराज ये कहते हैं कि ये सब जो है ये सच्चा है, और इसमें हम लोग बड़े भारी भारी करता है, और इसमें ये करेंगे तो ये पाएंगे। इस तरह से तो जो गुणो तत्व योगस्य गुण जगत काय उत्थित ही तो अब ये बताते हैं
साधन करने में जो विघ्न आते हैं, तो क्या विघ्न आ गए तो उसको कैसे दूर करें, बड़े काम की बात है। अलग अलग विघ्न को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय बताए हैं। प्राणायाम से कौन विघ्न दूर होगा, आसना से आसन से कौन दूर होगा, मंत्र से कौन दूर होगा, नाम संकीर्तन से कौन दूर होगा, सत्संग से कौन सा विघ्न दूर होगा, ये बात आगे अलग अलग बताई। और इसके बाद ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो बात तुम कह रहे हो सब, ये तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है, ये साधारण गृहस्थ के जीवन में या साधारण श्रोता के जीवन में उतरने वाली नहीं है, ये तो बड़ी कठिन। सब घर गृहस्थी में रहे, बाल बच्चे को संभाले, पति पत्नी प्रेम से रहे, कमाई भी हो गए, भोग भी हो गए, और मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ करके ईश्वर को प्राप्त करे, इसका क्या उपाय है, ये अगला प्रश्न है बोला। तो इस प्रश्न का समाधान, अब ये विघ्न कौन सा विघ्न कैसे टूटे, और घर गृहस्थी में रह करके मनुष्य पूर्णता को कैसे प्राप्त करे, ये प्रसंग अब कल आने वाला है। Oh.